डाक विभाग के नाम के जिक्र होते ही हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सासी सर्कल स्थित पोस्ट ऑफिस में 2 दिवसीय शिविर क्या लगा। इस शिविर में भाग लेने वाले लोगों का तांता लग गया। इस दौरान 21 और 22 को जिस शिविर के आयोजन के दौरान ही विभिन्न केंद्र की योजनाओं को लेकर भी लोगों को जोड़ा गया, जिसमें महिला सम्मान बचत पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत भी खाते खोले गए। और इस योजना में जो लोग भाग लेने आए उन्हें पासबुक भी दी गई। इस शिविर में केंद्र सरकार की विभिन्न लाभकारी योजना का भी जिक्र किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के सांसद अर्जुन मीना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका डॉक्टर शिल्पा पमेचा, इसके अलावा यदि हम बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के श्री देवीलाल साल भी मंच पर उपस्थित रहे। पोस्ट ऑफिस की विभिन्न गतिविधियों को लेकर क्या कुछ कहा गया मंच से, आइए हम अतिथियों की उन सभी बातों से भी आपको रूबरू करवाते हैं। लेकिन बता दें कि इस मौके पर इस विभाग के प्रवर अधीक्षक और कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लेकर शहर के लोगों को जोड़ना है। इसमें ऐसे वे लोग भी हैं जो अपनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों का भी पोस्ट ऑफिस में खाता खोला गया है। किस तरह से इस शिविर का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ गतिविधि रही है, राष्ट्र न्यूज़ की इस रिपोर्ट में हम आपको एक एक तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, आपको मैंने उप डाकघर खोलने का काम किया है और लेकिन एक कमी हमेशा महसूस होती रही है कि पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस खोलने के बाद भी हमारे पास खुद का भवन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे ज़िले में पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस है, तो उसमें एक ऋषभदेव जो बहुत पुराना पोस्ट ऑफिस है और जहाँ पे महिला बचत पत्र और अनेक योजनाएं के खाते बहुत सारे हैं, उनका चूँकि भवन नहीं होने की वजह से जो पुराना भवन था वो टूट फूट स्थिति में होने से खाली करना पड़ा। और खाली करने के बाद आज की स्थिति ये है कि अभी पंचायत समिति के एक कमरे में हमारा डाकघर चल रहा है, जिसमें पूरी हमारे साधन नहीं रह सकते हैं, हमारे आने खातेदारों को आने जाने की या उनकी सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उस वजह से बहुत समस्या आ रही है। और पिछले 6 महीने से अधिक समय से इस बात को हम समस्या से हम जूझ रहे हैं, पोस्ट ऑफिस जूझ रहा है। माननीय प्रवर अधीक्षक महोदय ने मेरे ज्ञान में संज्ञान में ये बात लाई, चूँकि आपका पैसा है, जनता का पैसा है, सांसद निधि, लेकिन इतना पैसा नहीं होता है हमारे पास कि हम ज़्यादा पैसा किसी एक काम में लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत 5 लाख 10 लाख रुपये हम किसी एक योजना में अस्थाई संपत्ति निर्माण करने में, वो भी भारत सरकार की जनता की एक संपत्ति बनती है, तो उसको निर्माण में हम कुछ पैसा दे सकते हैं। तो माननीय प्रवर अधीक्षक महोदय जी ने कहा है कि 80-20 के माध्यम से अगर 20% पैसा आप अगर जमा कराएंगे तो 80% पैसा भारतीय डाकघर जमा करा के और वहाँ एक पोस्ट ऑफिस का भवन बनाने का काम शुरू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक एस्टीमेट तैयार करके जो 20% पैसा कितना मेरे हिस्से में आता है, थोड़ा अभी आचार संहिता लगने से पहले मेरे पास अगर लेटर आ जाएगा तो जो भी 10 लाख 15 लाख 12 लाख 8 लाख जो भी मेरे हिस्से में पैसा आएगा वो पैसा मैं देने की घोषणा करता हूँ। और शीघ्र ही बहुत जोरदार तालियों के साथ में माननीय सांसद महोदय का इस घोषणा के लिए स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की।
और शिलान्यास का कार्यक्रम के माननीय प्रवर अधीक्षक और अपने सबके सानिध्य में अपन उसका शिलान्यास का कार्यक्रम रखेंगे। दूसरा मैं ये कह रहा था, देवीलाल जी ने बहुत सही बात कही कि सेक्टर 14, 8 और 4 वाला जो क्षेत्र है उसमें सेवाओं की, भारतीय डाकघर सेवाओं की जरूरत है, विस्तार की जरूरत है। और विस्तार जब भी कभी होता है मान्य आपके ध्यान में रहे, और करना भी है हमको, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और उसमें ध्यान में रख के करना पड़ेगा। एक दूसरी बात, जो भारतीय पासपोर्ट सेवा केंद्र आप उदयपुर वासियों के सजगता की वजह से, बहुत कम जनसंख्या होने के नाते 5 लाख की जनसंख्या होते हुए भी पासपोर्ट सेवा केंद्र माननीय सुषमा जी स्वराज ने, हमारे विदेश मंत्री जी ने यहाँ स्थापित किया था और उसका लाभ अभी भी सब लोगों को मिल रहा है। तो आगे उसको बढ़ाते विस्तार करते हुए सेवा केंद्र खोलने का जो काम है, माननीय जयशंकर जी, विदेश मंत्री जी से मैं 2 बार मिला था और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने चिट्ठी लिखी है। अभी हाल ही में 2 दिन बाद हम दिल्ली जाने वाले हैं, माननीय विदेश मंत्री जी से मिलने वाले हैं। तो देवीलाल जी, आपकी बात को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट सेवा केंद्र कोटा जो गया है, कोटा खुला रहे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कुशलगढ़ का आदमी, एक डूंगरपुर का आदमी, उदयपुर के आदमी के लिए कोटा जाना थोड़ा दिक्कत रहती है, बल्कि जयपुर जाना और आसान रहता है। तो जयपुर और कोटा नहीं होकर एक सेवा केंद्र यहाँ खुल जाए उसका प्रयास जारी है और बहुत जल्दी यहाँ हम करेंगे। आपने और भी बातें बहुत सारी बताई है, उन सब बातों को संज्ञान में रखते हुए आपका सहयोग प्रदान करते हुए सदस्य के नाते उपस्थित रहा और हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो जिला संयोजिका है डॉक्टर शिल्पा जी पामेजा वो भी रहे, यहाँ के प्रवर्तन अधिकारी अक्षय जी, पूजा मैम सब रहे। विशेष तौर से मेरा तो इस मंच के माध्यम से और आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैंने अनुरोध किया था कि सेक्टर 14 जो उदयपुर शहर का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जहाँ से रूरल पार्ट भी लगता है और सिटी का पार्ट भी है, उस साइड में डाक विभाग की जो सेवाएँ हैं वो प्रॉपर वे में आम जन को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि उधर की कोई ब्रांच है नहीं है। तो मैंने आज इस जो संवाद के माध्यम से उनसे अनुरोध किया है, तो और यहाँ के जो उपस्थित अधिकारी हैं उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया है कि अगर हमें बिल्डिंग अगर वहाँ प्रोवाइड हो जाएगी तो हम लोग जल्द से जल्द वहाँ एक ब्रांच खोल देंगे। एक ये था, दूसरा एक उदयपुर में पासपोर्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा जो हमें जो एक पूर्व विदेश मंत्री सुषमा जी स्वराज के माध्यम से यहाँ सेवा केंद्र हमको मिला था, उसको अस्थायी रूप से पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में जो अभी कोटा में स्थापित हुआ है, हमें कोटा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा एक अनुरोध है यहाँ की जनता के माध्यम से और यहाँ के अधिकारी के माध्यम से और यहाँ के जनप्रतिनिधि के माध्यम से कि यहाँ प्रतिदिन करीब 250 से अधिक आवेदन पासपोर्ट बनने के लिए आते हैं, नवीन पासपोर्ट बनने के लिए, और जबकि कोटा में 50 का रेशो है, तो इक्वलेंट टू जो रेशो जो है वो उदयपुर का ज़्यादा है और एक दूर सदूर जो क्षेत्र है जैसे कि जाड़ोल कोटड़ा इस साइड से डूंगरपुर बांसवाड़ा इधर जो राजसमंद ये सब लोग जो है ना, पहले हम लोग जयपुर चले जाते थे तो सुविधाजनक था, अब कोटा उदयपुर सिटी से तो चले जाएंगे लेकिन ये बाहर जो कनेक्टिंग जो उदयपुर जोन का जो पार्ट है वो वहाँ तक पहुँचना एक सुविधाजनक नहीं है। तो मेरा माननीय सांसद महोदय के माध्यम से और विदेश मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि हमारा अस्थायी पासपोर्ट सेवा का केंद्र यहाँ खोला जाए, जिससे आम जन या जो ग्रामीण क्षेत्र के जो है आदिवासी अंचल के जो लोग हैं जो गल्फ कंट्रीज़ में जो अपने है ना आजीविका कमाने के लिए गए हैं उनको सुविधा मिल सके। जी, पासपोर्ट सेवा को लेकर के जो है ना उदयपुर में जो पासपोर्ट केंद्र हमको मिला है और कार्यालय जो अभी कोटा में खुला है, हम लोग ये चाहते हैं कि 80% जो एप्लीकेशंस हैं वो फुलफिल उदयपुर अंचल के लोग कर रहे हैं और 20% कोटा की है, तो हमें उस हिसाब से भी हम लोग प्रायोरिटी पर फर्स्ट आते हैं तो हमें उसकी प्राथमिकता मिले। कोटा में खुला है हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उदयपुर में अस्थायी रूप से कार्यालय अगर खुलेगा तो उसकी सुविधा काफ़ी आमजन को मिलेगी और जो आदिवासी अंचल के जो लोग हैं और आप बांसवाड़ा डूंगरपुर और सारे जो इस साइड में जो जाड़ोल ये खेरवाड़ा ये पार्ट के जो लोग हैं वो सारे गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और उनको अगर सुविधा यह मिलेगी तो लोगों का एक रुझान जो है ना पासपोर्ट। यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट अपने चैनल के इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
एक नई रिपोर्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।